सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 8 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करीना कपूर को। तो अभी जो ब्रांड है आपका प्यूमा, उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और करीना को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फिट और हेल्दी जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना। प्यूमा ये एक जर्मनी का स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा दिसंबर में भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को भी प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय महिला क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, और वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, अभी पेप्सिको की वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बाकी यहाँ पर लिख रहा है अक्षय कुमार, तो अभी अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज को केविन केयर का जो हेयर कलर ब्रांड आता है इंडिका, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और पीवी सिंधु की बात करेंगे, बैडमिंटन प्लेयर है, शटलर है ये, और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, पीवी सिंधु से एक और पॉइंट हमने कल पढ़ा था, चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था इन्हीं को, और साथ में अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया था इनको। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 मार्च को। तो भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना। याद रखना ये इस बार का दूसरा एडिशन है, मतलब पिछले साल यानी कि 7 मार्च 2019 को ही पहला जन औषधि दिवस मनाया गया था। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है तो हम देख लेते हैं मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया था, जिसकी थीम क्या रही थी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। 1 मार्च को ही याद रखना विश्व नागरिक रक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया था। फिर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया, और 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया था, और अब 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। याद रखना वैसे आज तारीख है 8 मार्च, और 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में और इसकी थीम के साथ मैं आपको कल बताऊंगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है, 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र यानी कि सेशन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड ने वार्षिक सम्मेलन के लिए मुंबई को चुना है, जो 2023 में होंगे। तो 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। अच्छा, ये तो 2023 में है जो मुंबई में होगा। अगर आपसे पूछा जाए या आप पूछो कि 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा, भई हर साल होता है ना इसका सेशन, तो 2020 में कहाँ पे होगा, तो ये होगा जापान में, अभी जुलाई में होगा जापान के टोक्यो में, और ये इसका 36वां संस्करण होगा। और 2023 में होगा भारत में, मुंबई में होगा। लास्ट टाइम भारत में ये हुआ था 1983 में, जब नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की थी। अब मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बताता हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहले तो ये याद रखो, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, वैसे लॉसेन स्विट्जरलैंड में और किस किस का हेडक्वार्टर है, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और आपका वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी लॉसेन स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसे याद रख सकते हो साथ में लिंक करके। अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बक। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पुलेला गोपीचंद, जो कि नेशनल बैडमिंटन कोच है हमारे, उन्हें 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को वर्ष 1957 की महिला के रूप में नामित किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमृत कौर को। तो टाइम पत्रिका ने अभी हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत से 2 नाम हैं, एक तो अमृत कौर का और एक इंदिरा गांधी का। तो ध्यान से सुनो, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी अमृत कौर, और इनको 1947 के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न में आपसे पूछा गया है वर्ष 1957 के लिए, तो आपका पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा, अमृत कौर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई। तो इंदिरा गांधी को तो आप जानते ही हो, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अमृत कौर ये आजाद भारत की पहली कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी, और 10 सालों तक ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी, और उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की थी।
यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे किरण मजूमदार शो को, तो हमें पता है अभी इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा? EY एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। उसके अलावा डॉक्टर सोहिनी शास्त्री इंडियन। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करा करें, और अब से हम डेली टारगेट भी रखा करेंगे, ताकि मुझे पता तो चले कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, लगभग पूरे दिन में 20,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो उसमें से कितने लोग हैं जो इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 9,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वाकई, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आप में से ज्यादा लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और मेहनत करूंगा इसको और बेहतर बनाने में। तो इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर करेंगे, हम बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद एयरपोर्ट। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। संभाजी ये महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। अच्छा, एयरपोर्ट से आपको एक प्रश्न भी हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, जम्मू एयरपोर्ट। क्या न्यूज पढ़ी थी इससे रिलेटेड, कि अभी जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे का नाम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। अब बस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से मंजूरी मिलते ही इसका नाम बदल दिया जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये भी अभी न्यूज में था, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। तो इनके नाम भी आप याद रखें। बढ़ते आगे, फिर है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने, इंस्टीट्यूशन ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास ने बिना लाइसेंस वाले मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया है। इससे क्या होगा, जो सशस्त्र बलों और सुरक्षा सेवाओं को महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। मतलब ये जो दूसरे ड्रोन होते हैं उनके GPS सिस्टम को हैक करेगा, ताकि उसका उड़ान मार्ग बदला जा सके, या फिर उसे सुरक्षित रूप से लैंड कराया जा सके, या फिर उसे सुरक्षित रूप से लैंड करने के निर्देश दिए जा सके। अच्छा, आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें भारत का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा रहा था, याद है आपको? IIT बॉम्बे। और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो IIT बॉम्बे की रैंक थी 44, वहीं IIT दिल्ली 47 पे था, IIT खड़गपुर 87 पे था, और IIT मद्रास ये 88 नंबर पे था, और टॉप पे था USA का मैसेचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पढ़ते आगे, फिर है, हाल ही में WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डैरन टैंग को। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के डैरन टैंग को WIPO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अच्छा, WIPO को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आपको बता दूं, अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं फ्रांसिस गुर्री, जो कि अभी सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद डैरन टैंग इसके नए महानिदेशक बनेंगे। अच्छा, ऑप्शन की बात कर लें तो संजय कोठारी, याद रखना ये सारे नए अपॉइंटमेंट हैं अभी, मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। वहीं बीमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, और अजय पटेल ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना। WIPO के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 1967 में इसका गठन हुआ था, और इसका गठन हुआ था विश्व में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। इसका वैसे हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और टोटल मेंबर कंट्रीज है 192। भारत इसका मेंबर बना था 1975 में। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, अभी तक मैंने आपसे शायद एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो पहला प्रश्न आज का, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हम कब मनाते हैं? और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो पढ़ते होंगे, जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं, तो फटाक से आपको आंसर आ गया होगा याद, और अब फटाक से आप आंसर लिख दो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आंसर याद नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार जरूर देख लेना, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर लिखे होंगे, तो उसको देख करके आप याद कर लेना, क्योंकि वो आपको याद नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे, फिर है, हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा कराए गए पोल में किस नेता को अब तक का सबसे महान नेता चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराजा रणजीत सिंह को। तो अभी हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन के द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में महाराजा रणजीत सिंह को सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिए ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है।
दूसरे नंबर पे अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी अमिलकर कैब्रल है, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है, और चौथे नंबर पे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रहे, और पांचवे पे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम रही। रणजीत सिंह, अच्छा ये रणजीत सिंह कौन है, तो भारत में सिख साम्राज्य के 19वीं सदी के शासक थे ये रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और अभी इन्हीं को अब तक का सबसे महान नेता चुना गया है। अच्छा बीबीसी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी 2-3 महीने पहले हमने पढ़ा था बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड 2019 दिया गया था किसको, इंग्लैंड के बेन स्टॉक को। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस भारतीय कारोबारी को विमेन इकोनॉमिक फोरम 2020 में मिस्र सरकार के द्वारा बिजनेस में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीना मोदी को। तो अभी मोदी एंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी, और इन्हीं को वुमेन इकोनॉमिक फोरम 2020 में मिश्र सरकार के द्वारा बिजनेस में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया। आपको बता दूं ये अभी लास्ट नवंबर 2019 में ही मोदी एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष बनी थी बीना मोदी। बाकी गीता सेन को आप जानते ही हो, भारतीय एक्टिविस्ट हैं और डेन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने अभी। वहीं दिलराज प्रीत कौर की बात करेंगे तो इस साल कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा इनको, और संजना कपूर जो कि शशि कपूर की बेटी हैं, फ्रांस सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया था इनको। तो इस प्रश्न से बीना मोदी का नाम याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 83 नंबर पर रहा है। तो अभी हाल ही में जारी नागरिकों की आजादी पर फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नाम की रिपोर्ट में भारत 83 नंबर पर रहा है, और इस बार भारत की रैंक 4 पॉइंट नीचे गिरी है, और इसका मुख्य कारण रहा है पिछले कुछ महीनों से देश में हो रहे अल्पसंख्यकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हमले। इस लिस्ट में टोटल 195 देशों को रखा गया जिसमें भारत 83 नंबर पर रहा, तो आपको ये रैंक याद रखनी है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो फ्रीडम हाउस नाम की अमेरिकी गैर सरकारी संगठन ने, और इसमें टॉप 5 कंट्रीज हैं जो फ्री कैटेगरी में है, वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आदित्य राज। तो आदित्य राज ये वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये प्रश्न तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं इस चैंपियनशिप में 7 दिनों में 7 महाद्वीपों में 7 मैराथन दौड़नी होती है, और ये आदित्य गुड़गांव के रहने वाले हैं, और इसमें 15 महिला 27 पुरुषों ने हिस्सा लिया। आपको बता दूं इसमें हिस्सा लेने की जो एंट्री फीस होती है वही 32 लाख रुपए होती है, पर इसे जीतने वाले आदित्य राज पहले भारतीय बन गए हैं, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट होगा। बाकी जिया राम, इनका नाम हमने पढ़ा था, ये दिव्यांग छात्रा है और अभी इन्होंने खुले पानी में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया था। काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे, ये साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकांगुआ जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है, उसमें चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। वहीं मालवत पूर्णा, ये अभी जनवरी में ही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मासिफ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी। तो इनके नाम भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर हाल ही में किस राज्य में चापचार कुट महोत्सव शुरू हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, मिजोरम में। तो मिजोरम में मनाया जाता है ये चापचार कुट महोत्सव। वैसे इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी ये फाइनली शुरू हो चुका है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो चापचार कुट महोत्सव है ये मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला पर्व है। चापचार कुट एक वसंतोत्सव है और इसे मुख्य रूप से झूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च के महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व को राज्य में सबसे लोकप्रिय वसंत त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अच्छा मैंने अभी एक शब्द यूज किया, झूम खेती, क्या होता है ये? देखो इस झूम खेती को ही इंग्लिश में स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं जंगल का एक पोर्शन उन्होंने ले लिया, पेड़ वगैरह काट देते हैं वहां पे और एक समतल भूमि बना करके उसमें खेती करते हैं, एक आध साल वहां पे खेती करते हैं और जैसे उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म होती है वो फिर आगे बढ़ जाते हैं और जंगल दूसरे जंगल की जमीन को काटते हैं, वहां पे उसी तरह से खेती वाली जमीन बनाते हैं, एक आध साल उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं झूम खेती, और इस तरह की खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में ही होती है। अब यहाँ पे बात हो रही है मिजोरम की, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है, आइजोल है। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। अच्छा मिजोरम अभी न्यूज में क्यों था,
क्योंकि मिजो पुनाचे एक रंगीन शॉल है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया था। उसी तरह से मिजोरम के तालोह पुआन जो कि हाथों से बना हुआ एक कपड़ा है उसे भी जीआई टैग दिया गया था। और मिजोरम में अभी नवंबर में ही 2019 में इंडिया और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था मिजोरम में, उस एक्सरसाइज का नाम था धर्मा गार्जियन। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही मिजोरम ने ही बीसी रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य के खोला चिल्ली को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर जाना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है ताकि सब लोग आपको टॉप 10 देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिविजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिविजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, तो आप ही के लिए मैं इसका रिविजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज वीडियो पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।